हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन ग्रुप पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे GNM एडमिशन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपका, GNM में जो प्रवेश है वो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपका जो भी है एडमिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहा, और कौन कौन से राज्यों में जो एडमिशन है वो होने स्टार्ट हो गए हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा जो राज्य है उसमें यहाँ पर आपके जो भी है एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं अब तक, तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और पहुँचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन और पल पल की खबर। हाँ तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप जो भी है आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो एडमिशन अलर्ट में दे रखा है GNM के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो देख सकते हो GNM की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है सभी राज्यों में, जहाँ तक शुरू हो चुकी है। जैसे कि देख सकते हो आप सभी राज्यों में, अब आपको पता होगा कि जो भी है यूपी उत्तर प्रदेश उसमें जो सफाई मेडिकल उत्तर प्रदेश में आते हैं सफाई वाले के जो फॉरम है ANM और GNM के वो भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब ये GNM की जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। तो ये बात कर रहे हैं हम कहाँ की, असम की बात कर रहे हैं। तो इसमें देख सकते हो आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब कहने का मतलब ये IOC की तरफ से, IOC के जो IOCL की तरफ से जो भी है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसमें देख सकते हो आप जो भी है 2023 के लिए नर्सिंग मिडवाइफरी जो भी है आपका 2023 के लिए एडमिशन सूची जारी कर दी गई है। और इसमें 30 सीटों के लिए पंजीकरण होगा, ठीक है ना, पंजीकरण होगा, प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों का अधिकारिता वेबसाइट जो भी वेबसाइट है IOC की वेबसाइट पर जाकर आपको देखना है। और क्या करना है आपको, 21 जुलाई तक इसमें आवेदन करने हैं सभी विद्यार्थियों को, 21 जुलाई तक आपको आवेदन करने हैं। और आवेदन के अलावा यहाँ पर बात करें, आवेदन कर सकते हो और इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, आवेदन करने वाले छात्र 40% अंक के साथ साइंस भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान से होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है अगर इसमें आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए और 40% आपकी मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना, ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। और अगर एज लिमिट की बात करें तो 17 से लेकर के 24 साल इसमें एज लिमिट है, ठीक है ना। अब बात करें आपका जो भी है तो चयन इसमें क्या है, किस प्रकार से होगा आपका चयन होगा, इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, रिटर्न आपका एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम के माध्यम से आपका, ठीक है ना, चयन होगा। कहने का मतलब ये है इसमें कोई भी आपका जो भी है रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इसमें मेरिट नहीं आएगी, ठीक है ना, मेरिट नहीं आएगी। ये इंडियन उसकी तरफ से आया है, ठीक है ना, नोटिफिकेशन उसकी तरफ से आया है, किसकी तरफ से आया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, तो इसको थ्रू आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके राज्य में कब तक आएंगे, ठीक है ना, आपके राज्य में कब तक आया नहीं आनी, राजस्थान में कब तक आएंगे, राजस्थान में फॉरम कब तक आएंगे, काफ़ी बच्चों की यही कमेंट आ रहा है कि राजस्थान में फॉरम कब तक आएंगे। तो देख सकते हो आप असम में जो आपके फॉरम है वो आ चुके हैं, और बात करें आपके जो भी है यूपी में फॉरम आ चुके हैं। अब बात आती है बिहार और राजस्थान की, ठीक है ना, तो राजस्थान में आपके जो फॉरम है वो जल्दी ही आएंगे, ठीक है, जल्दी ही आएंगे। जुलाई का महीना तो आपका ऐसे ही जाएगा, जुलाई में आपके फॉरम नहीं आएंगे, लेकिन अगस्त में आपके फॉरम आएंगे, ठीक है ना, अगस्त में आपके फॉरम आ जाएंगे। तो राजस्थान वालों के लिए हमने वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, वीडियो को देख सकते हो आप कि वीडियो में क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना, तो राजस्थान वाले वीडियो देख ले, और जो भी है राजस्थान में फॉरम आएंगे हम आपको बता देंगे, और एक वीडियो आ जाएगा कि राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपको करना होगा, उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें आपको बताया है कि जो भी है IOC की तरफ से है, इंडियन जो भी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो भी है, असम की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर के आप इसको विजिट कर सकते हो और इसमें अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसकी अप्लाई करने की जो भी है 21 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह, अभी आपके पास में 19 दिन है, 19 दिन तक आप आवेदन कर सकते हो। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और बाकी हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।